अस्सलाम वालेकुम, मैं फरमान खान आज स्टूडियो 6 में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो ट्रॉन नेटवर्क एप्लीकेशन के हवाले से ही है और उसी के हवाले से ही आज मैं बात करूँगा। और उसके हवाले से एक अफसोसनाक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी है कि कम अज़ कम ऐसा मत करें। तो आज एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं इस वीडियो के मुताबिक। तो चलिए आए देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपने जैसे वीडियो देखी है इसमें एक वायलेंस दिखाई गई है, लड़ाई झगड़ा। और इसके अलावा आपको इसमें एक वीडियो में नजर आया होगा कि एक बंदा जमीन पर लेटा हुआ है, खून से जो है पूरा उसके जिस्म के कपड़े जो है वो भरे हुए हैं और ऐसे मालूम हो रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है। और हकीकत भी यही है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसका कहा जा रहा है कि ये कोई आम एक शहरी था, कोई मजदूर टाइप, जिसका यानी कि समोसों की कोई दुकान थी, समोसे सेल करता था अपनी एक छोटी सी इसने दुकान बनाई हुई थी। और सिर्फ इसका कसूर इतना था कि इसने जो है मुझे या आप जैसे लोगों को या मुख्तलिफ मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को ट्रॉन एप्लीकेशन पर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है दावत दी थी। और दावत देने के साथ इसकी एक गलती थी और वो गलती ये थी इसकी कि ये अपने तौर पर गारंटी देता था, मेंटोर्स के साथ कोई इसका रब्ता होगा ट्रॉन के किसी बड़े अहदेदार के साथ या किसी के साथ, और वो इसको जो है सारी गाइडेंस देते थे और गाइडेंस के बाद ये मुकम्मल तौर पे आगे अपने तौर पे गारंटी देता था कि जी मेरी गारंटी है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो कम अज कम आप अगर किसी को ज्वाइन करवाते हैं या उसकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो उसको आप गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि इन्होंने स्कैम करना होता है और आखिरी इनकी हद यही होती है कि ये स्कैम करके भाग जाते हैं। आप जब भी किसी को अगर दावत देते हैं तो उसको सिंपल इतना कह दें कि जी अपने सोर्स पर, अपने उस पर जिम्मेदारी पर जो है आप इसमें इन्वेस्ट करें, मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप गारंटी देते हैं तो उसके आप जिम्मेदार हो जाते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन दूसरे दिन भाग जाती है तो कम से कम जाहिर सी बात है, हकीकत है कि इस बात को कि वो बंदा जो है वो आपके पास आएगा कि यार आपने गारंटी दी थी मेरे पैसे वापस नहीं, तो ऐसा मत किया करें। और दूसरा आपके लिए जो है एक रिक्वेस्ट ये भी आ रही इस वीडियो में मेरे कि अगर जो कुछ भी मामला हो चुके हैं, ट्रॉन भाग चुकी है, स्कैम कर चुकी है, जो भी मामला हो चुके हैं उसका मैंने आपको एक तो तरीकाकार भी बता दिया है कि आप विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं, और विड्रॉ करवाने का तरीकाकार मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस दो बनाई है, मैंने उसमें मुकम्मल आपको गाइडेंस दी है, आप वो वीडियोस मेरी देखें आपको उसमें जो है ना पता चल जाएगा। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ट्रॉन कहीं नहीं भागने देंगे और ट्रॉन जो है पैसे हर बंदे के पे करेगी। ठीक है, उसके लिए जो है आप हमारी जो है लास्ट वीडियो देखें, उसमें आपको सब मालूमात मिल जाएंगी। और दूसरा ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहा था, अभी बात दूसरी तरफ चली गई कि कम से कम यार आप जो भी मामला हो गया आप ठीक है अल्लाह ताला के जो है सपोर्ट कर दें, उसको आप भूल जाएं, क्योंकि एक तरफ से गलती आपकी भी है कि अगर किसी बंदे ने लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और किया भी है ट्रॉन में तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और ना किया करें ऐसा, कम अज कम इतनी इन्वेस्टमेंट किया करें आप ज्यादा से ज्यादा कि जो है आप जितनी अफोर्ड कर सकें, जिसको आप समझें कि यार 10-15 हजार 20 हजार मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं अगर मेरा नुकसान हो भी जाता है तो। लेकिन आप अगर हो गया है तो वायरस ना दिखाएं, कम से कम ऐसे लोगों के साथ मारपीट मत करें कि यार जो खुद जो है इस ट्रॉन एप्लीकेशन के जो स्कैम का शिकार हो गए हैं, गरीब लोग हैं, तो अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, सब्र पैदा करें, आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा और आगे जो है इस तरह के स्कैम से बचने की कोशिश करें। आज की वीडियो जो है इसी मुतालिक मैंने बनानी थी और इसमें आप लोगों को कुछ थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करनी थी और समझाने की भी कोशिश करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई आपको सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और
मजीद वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आगे जो है ऑथेंटिक ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको जो है इसी चैनल के थ्रू देता रहूंगा। क्योंकि मैं इसी चैनल पर मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उनको ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊं कि जो ऑथेंटिक हों, और अगर वो स्कैम करने जा रही हों तो आपको वक्त से पहले जो है मालूमात इसी चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।